जय हिंद दोस्तों, जय माकल। मैं आपका दोस्त बलर सिंह, स्वागत है आपका क्षेत्रपणम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको मैं बताया था कि शोल्डर के जिनके फ्रोजन हो जाते हैं, जिनके शोल्डर्स फ्रोजन यानी अखड़ जाते हैं, जम जाते हैं, उनका हाथ एक आध भी इंच नहीं उड़ता, उनके लिए शोल्डर के लिए फर्स्ट में वार्म अप बताया, जिससे आपका शोल्डर आहिस्ता आहिस्ता फ्री होना चालू हो जाएगा। उसके आगे के अभ्यास को आज हम बढ़ाएंगे। तो शुरुआत में, जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियो में बताया, जो भी पिछली वीडियो नहीं देखे प्लीज़ एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर उसका लिंक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले अभ्यास में दोस्तों, शुरुआत में आपको करना है वार्म अप। वार्म अप के साथ शुरुआत ही आपको करना है ये जर्किंग, कंधों को जर्किंग लिए आहिस्ता आहिस्ता। पिछली बार का वीडियो आप ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे कि आपके शोल्डर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। होने के बाद आपको ये अपना हाथ बगल में दबा कर आहिस्ते आहिस्ते उठाना है, इसको सपोर्ट देके। यहाँ पर आप तौलिया भी लगा सकते हैं, ये अभ्यास होने के बाद जैसे आपका थोड़ा बॉडी में हीट आ जाता, जैसे आपका शोल्डर आपका थोड़ा फ्री हो जाता, उसके बाद में करना है आपको मुदगल लेना, मुदगल का अभ्यास। मुदगल के अभ्यास से पहले नॉर्मली आपका हाथ आपको लेके जाना है कुछ इस प्रकार से, जो भी आपका शोल्डर जमा हुआ है उस हाथ का प्रयोग कीजिए। शुरुआत में ऐसे 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 कीजिए, ये थोड़ा आगे जितना जा सके उतना आगे। यहाँ पर रोकने के बाद आपको आपका हाथ पीछे की ओर ले आना है, जितना हो सके उतना, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। इसी अभ्यास को थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जितना हो सके उतना। अगला अभ्यास जिसके अंदर आपका अबकी बार आपका हाथ आपको सामने ले आना है, पीछे ले आना है कमर को मोड़ते हुए। ये देखिए, जैसा जैसा आपका कंधा फ्री होते जाएगा वैसा वैसा आपको अपना हाथ उठाना है आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे धीरे। ये देखिए, तीन स्टेप हो रहे इसमें। अब इसमें क्षत्रिय प्रणाम कहाँ से आया? क्षत्रिय प्रणाम इस प्रकार से आया, जब आपको उठा रहे, आपका कंधा उठा रहे, तब आपको आपकी श्वास खींचना है। श्वासों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा दोस्तों इसमें, कुछ इस प्रकार से श्वास छोड़े, खींचे, छोड़े। ये अभ्यास होने के बाद शुरुआत आपको लेना है मुदगर, कम से कम वजन वाला मुदगर लीजिए आप, एकदम लाइट वेट, जितना लाइट वेट सब हो सके उतना लाइट वेट, नहीं तो एक छोटी लकड़ी भी ले सकते हैं आप। करना ये अभ्यास, अगर आपका हाथ फ्री जा रहा ये लेवल तक आ रहा तो भी आपको नहीं उठाना है उतना, कुछ दिनों के बाद ही उसको उठाना है। जितना हो सके उतना कम से शुरुआत कीजिए, जैसे कि पहले अभ्यास में किया था अपन, ये इतना ही उठाइए जितना उठ सक रहा है आपका, मोबिलिटी बढ़ेगी इससे पीछे की ओर। दो तीन दिन के बाद थोड़ा ये थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाते जाइए इस अभ्यास को। सेम वही अभ्यास, श्वासों पे ध्यान देते हुए, भस्त्रिका करते हुए, श्वास खींचे छोड़े, खींचे छोड़े। इसको भी आहिस्ते आहिस्ते जितना हो सकता है आपसे, इतना 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 भी पर्याप्त है। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में कुछ इस प्रकार का अभ्यास,
पिछली बार हमने एक हाथ से किया था, इस बार दो हाथ से। ये एक हाथ था, ये दूसरा हाथ। दोनों हाथ को आपके अंदर इसको इन्वॉल्व करना है, सांसों पर पूरा ध्यान देते हुए। ये अभ्यास होने के बाद में आइए जानते हैं थोड़े से स्ट्रेचेस, जिससे आपको ताकत आहिस्ता आहिस्ता, अगर किसी का तड़क गया अंदर से मजल या टेंडन्स लिगमेंट्स, वो आहिस्ता आहिस्ता इससे रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अगले अभ्यास में दोस्तों आपको मुद्गर को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और जितना हो सके उतना इसको दोनों हाथों से ऐसे उठाना है। ध्यान दीजिएगा श्वास खींचते हुए। जितना उठ सक रहा हो उतना कोशिश करिए, एक हफ्ते के अंदर आपको इतना उठ जाए आपका कंधा। हफ्ता या 15 दिन, जल्दबाजी कभी भी नहीं करना दोस्तों। जब आपका ये लेवल तक आके रुक रहा कंधा, तब इसको लाकर रोकना है कुंभक लगाकर। श्वास खींचे गहरी लंबी श्वास, कुंभक। दस सेकंड तक इसको यहाँ पर होल्ड कर वापिस से नीचे, वापिस से। तो दोस्तों इस अभ्यास के बाद आपको मुद्गर को सेम इसी स्टाइल में पकड़कर, ध्यान दीजिएगा इसको आपको ऐसा नहीं ले आना है, बस आपको आपका कंधा ऐसे, जो आपके शोल्डर में पेन अगर राइट साइड में है तो बस ध्यान दीजिए बगल को, आपकी टोनी लगते हुए ऐसे। आपकी टोनी आपके बगल को छोड़ना नहीं, बस ये मूवमेंट आना। छोटे एक पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए। ये देखिए, इससे आपके शोल्डर के बैक मसल्स स्ट्रांग होंगे, यानी पीछे से भी आपका शोल्डर ताकतवर होना शुरू होगा। पहले दिन 5 बार इसका अभ्यास काफ़ी है, क्योंकि तकलीफ मैं जानता हूँ, कंधा 1 इंच भी उठाना मुश्किल रहता उनके लिए। तो प्लीज़ पहले जो पिछले वीडियो में मैं बताया था वो एक्सरसाइज, वो अभ्यास, वो प्राणायाम एक बार ज़रूर देखिए। ये देखिए, ये ऐसे नहीं जाना है, ये गलत है। ये आपका हाथ इधर जॉइंट, बस इतना जितना हो सके आपसे, अगर वो इतना भी जा रहा तो पर्याप्त है, इतना ही। वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। ध्यान देना, जहाँ से आपको अकड़न स्टार्ट रहती वहाँ से 5 से 10% का प्रेशर आपको डालना। अगर आपका हाथ यहाँ तक ही जा रहा, यहाँ के बाद आपको दर्द चालू हो रहा, तो बस 5%, इतना इतना भी पर्याप्त है। आप देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते आपकी स्ट्रेचिंग शोल्डर की, जो आपका फ्रोजन था वो आहिस्ते आहिस्ते फ्री होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अभ्यास, क्षेत्र प्रणाम के अभ्यास आपके जमे हुए कंधों के लिए। आपको ये वीडियो बहुत सहायता प्रदान करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो कि शोल्डर के दर्द से पीड़ित हैं। हम चाहते हैं कि देश में कोई भी कमज़ोर रोगी नहीं रहना, हर कोई निरोगी ताकतवर और बलवान रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।